उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। और फ्रेंड्स देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी आज सैटरडे है तो आन्या स्कूल गई है, अर्जुन आज घर पे ही है और मैं अपने अभी काम यहाँ पे सब कर रही हूँ क्योंकि अभी सब काम फैला हुआ है। अभी खाना बना रही हूँ। मैं सुबह उठी तो पहले सबसे पहले आन्या का मतलब नहा के पूजा करके आन्या का टिफ़िन बनाई और आज मैंने उसके टिफ़िन में पूरी और सब्जी दी है। पूरी आन्या खाती नहीं लेकिन मैं आज बहुत मतलब लेट हो गया था तो मैंने आज उसको पूरी सब्जी बना के दिया और अभी मैं बना रही हूँ खाना। आज सैटरडे फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी। चलिए मैं दिखाऊँ आपको कि मेरी खिचड़ी बन रही है। अर्जुन अभी बाहर खेल रहे हैं और यहाँ पे हमारी खिचड़ी बन रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारी खिचड़ी बन रही है। आज सैटरडे है तो मैंने सोचा आज मैं खिचड़ी बना लूँ और मैंने यहाँ पे आलू को उबाल के रखा हुआ है। मैं इसका बनाऊँगी भरता, चोखा क्या बोलते हैं हम लोग, भरता ही बोलते हैं। मैं इसका भरता बनाऊँगी, खिचड़ी और टमाटर की चटनी बनाने वाली हूँ। मुझको फ्रेंड्स अभी खिचड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती लेकिन मेरे पापा जी को खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं सैटरडे को उनके लिए खिचड़ी ही बनाती हूँ। उनके लिए मैं खिचड़ी और आलू और टमाटर बैंगन का भरता बनाती हूँ और टमाटर की चटनी बना देती हूँ। उनकी चटनी भी बहुत अच्छी लगती है। अभी मैं यहाँ पे छील रही हूँ आलू। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ और आलू छीलते हुए आपसे बातें भी कर ले रही हूँ क्योंकि काम करने में फिर लेट हो जाएगा और मैं किसी काम करके ना मैं अपना ब्लॉग बना ही नहीं पाती हूँ। खिचड़ी भी बहुत टफ हो जाता है क्योंकि लास्ट में जब इतने सीटी आना होता है ना कि पूरा गंदा करने का, ऐसे मैंने पहले ही बंद कर दिया गैस लेकिन उतारते उतारते ना थोड़ा सा ये खिचड़ी मेरी यहाँ पे मैं खिचड़ी उतार दे रही हूँ। खिचड़ी मुझे जला भी दिया, मेरे ऊपर थोड़ा सा इसका छूटा ही पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने ये इस पे मैं भूनने वाली हूँ टमाटर। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इसको रख दे रही हूँ गैस पे। ये देखिए ऐसे इसको मैंने गैस पे रख दिया है और अब मैं लाऊंगी टमाटर फ्रिज से निकाल के इसको मतलब टमाटर को भूनूंगी मैं। अभी मैं ले लेती हूँ यहाँ से टमाटर। ये देखिए अभी इस टमाटर को मैं फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ और आलू छीलते हुए आपसे बातें भी कर ले रही हूँ क्योंकि काम करने में फिर लेट हो जाएगा और मैं किसी काम करके ना मैं अपना ब्लॉग बना ही नहीं पाती हूँ। खिचड़ी भी बहुत टफ हो जाता है क्योंकि लास्ट में जब इतने सीटी आना होता है ना कि पूरा गंदा करने का, ऐसे मैंने पहले ही बंद कर दिया गैस लेकिन उतारते उतारते ना थोड़ा सा ये खिचड़ी मेरी यहाँ पे मैं खिचड़ी उतार दे रही हूँ। खिचड़ी मुझे जला भी दिया, मेरे ऊपर थोड़ा सा इसका छूटा ही पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने ये इस पे मैं भूनने वाली हूँ टमाटर। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इसको रख दे रही हूँ गैस पे। ये देखिए ऐसे इसको मैंने गैस पे रख दिया है और अब मैं लाऊंगी टमाटर फ्रिज से निकाल के इसको मतलब टमाटर को भूनूंगी मैं। अभी मैं ले लेती हूँ यहाँ से टमाटर। ये देखिए अभी इस टमाटर को मैं और ये देखिए फ्रेंड्स मेरा भरता बनके हो गया है रेडी। और मैंने इसमें ये देखिए भरता मेरा, और मैंने बोला था आपसे ना कि मैं इसमें डालने वाली हूँ टमाटर बैंगन, बैंगन भी भूनने वाली, पर मैंने इसमें बैंगन नहीं डाला फ्रेंड्स सॉरी, क्योंकि मुझे याद नहीं था। अचानक से मुझे याद आया ना कि अभी छठ है ना, छठ में बैंगन और लहसुन प्याज ये सब नहीं खाते हैं, तीन चार दिन पहले से ही छोड़ देते हैं। तो लहसुन प्याज तो मैं अभी तीन चार दिन पहले से ही छोड़ दी हूँ और मेरे इस भरते में सिर्फ पड़ा हुआ है टमाटर, हरी धनिया, मिर्च, नमक और आलू।
मैंने इसमें बैगन नहीं डाला क्योंकि छठ है ना, छठ में नहीं खाया जाता है। बताइएगा किसको इस तरह का भट्टा जो ये बनता है इससे बाटी चोखा से भी खाया जाता है ना, किसको किसको पसंद है बताइएगा आप लोग। मुझे तो अच्छा लगता है, खिचड़ी नहीं अच्छी लगती, लेकिन ये जो भर्ता मैं बनाई हूँ ये मुझे अच्छा लगता है। खाना मेरा बनकर हो गया है रेडी, अब मैं पापा को बुला दे रही हूँ, को खाना खा ले रहे हैं क्योंकि अभी टाइम भी हो गया, लेट हो रहा है। आप लोग मेरी वीडियो में इस तरह बने रहिए, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। फ्रेंड्स अब मेरा सारा काम खत्म हो गया है और पापा को मैंने खाना दे दिया, पापा खाना खा ले हैं और अर्जुन भी मेरा हाँ खाना खा के फिनिश कर दिया। मैंने अर्जुन को खाना खिला दिया, अर्जुन बहुत खुश है। खाओ क्या खाओ बता दो। दाल चावल घी। दाल चावल घी नहीं है बेटा, दही। आपने खाया खिचड़ी, सब्जी और क्या खाया, कर्ड। कर्ड क्या होता है? अच्छे नहीं बोलते कर्ड, आप जानते थे अच्छे क्यों बोल रहे हो? उतरो उतरो ऐसे ऐसे गिर जाएगा तो मैं उतरो उतरो गंदे में। बहुत मस्ती करते हैं अर्जुन, अभी आप बैठ पढ़ाई करो ठीक है, और अर्जुन अपना होमवर्क कर रहे हैं और मैं भी अब चल रही हूँ, कुछ खाऊंगी पीऊँगी क्योंकि अभी मैंने कुछ खाया नहीं है। इधर बाहर का व्यू देख लीजिए, ये देखिए मैंने यहाँ पे कपड़े धुल के डाले हुए हैं। हमारे यहाँ घर पे तो छठ की तैयारी हो रही है क्योंकि इनका भी फोन आया था, सब लोग आज जाएंगे शॉपिंग करने छठ का, और वहाँ छठ की पूजा की जाएगी। हम लोग तो नहीं जा पाए, बहुत दुख हो रहा है। मुझे छठ बहुत अच्छा लगता है, छठ पर बहुत ही अच्छा होता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन मैं जा नहीं पाई। चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।